नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। शनिवार को मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार महू न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया। महू शहर व तहसील क्षेत्र के कई लंबित प्रकरणों का निराकरण किया, जिसमें प्रथम व्यवहार न्यायाधीश अजय सिंह यादव ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत के आयोजन में मारपीट, घरेलू हिंसा, चेक संबंधित मामले आए। पिछले कई समय से विचाराधीन और लंबित थे, जिनका निराकरण अदालत में किया। हालांकि कोर्ट में सबसे बड़े दो मामले सामने आए, जहां लगभग 2 करोड़ रुपए के चेक बाउंस थे, उसका भी निपटारा किया गया। इस नेशनल लोक अदालत में आज लगभग 50 से अधिक मामले थे, जिसमें फौजदारी, दुर्घटना, दीवानी के क्लेम, विवाह संबंधी आदि जैसे मामले सामने आए, जिनका निराकरण किया गया। आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें कि छोटे मोटे मारपीट के प्रकरण, चेक संबंधी प्रकरण, घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण निराकरण हेतु रखे गए थे और पक्षकारों ने लोक अदालत का लाभ लेते हुए काफ़ी प्रकरणों का निराकरण करवाया है और लोक अदालत का लाभ लिया है। आज मेरे न्यायालय में 2 ऐसे चेक के प्रकरण का निराकरण किया गया है, जिनकी वैल्यू करीब 9 करोड़ के लगभग थी। उनमें करीबन 5-6 महीने से राजीनामे की चर्चा चल रही थी पक्षकारों के बीच, क्योंकि राशि इतनी बड़ी थी इसलिए इतना समय लगा, लेकिन अधिवक्ताओं की सक्रिय भूमिका, पक्षकारों की सक्रिय भूमिका और न्यायालय की भूमिका से उन दोनों प्रकरणों का आज निराकरण हो गया है और वह पूरी तरीके से समाप्त हो गए हैं। कितने के थे सर दोनों प्रकरणों की संख्या? लगभग 8 करोड़ 76 लाख के करीब थी और करीब 5 साल से वो लंबित थे। सेटलमेंट अमाउंट करीब उनको राशि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को राशि प्रदाय कर दी है। कितने? ये 8 करोड़ 76 लाख रुपये दोनों केसों को मिला के, मतलब दोनों एक और वो समान पक्षकार के केस थे, दोनों केसों में एक ही सेम पक्षकार थे इस कारण।